अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अरे पकड़ो इन्हें, रोको इन्हें, ये भाग रहे हैं दोनों। लगता भाग गई दोनों, लेकिन गोरखपुर में कहां तक भागेगी मैं भी देखता हूं, ढूंढ के निकालूंगा दोनों को। क्या हुआ, वो दोनों पकड़ में आई? नहीं सुना रे, अभी तो निकल गई हाथ से, लेकिन ढूंढ निकालेंगे उन दोनों को। इन दोनों माँ बेटी ने हमारे परिवार का सुख चैन छीन लिया है, उन दोनों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। हमारे परिवार में इतना बड़ा कलेश पहले कभी नहीं हुआ जो उन दोनों के आने के बाद हुआ है। वही इन तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उन दोनों के साथ रह रहकर। भाई मैं जानता हूं, मैंने जो कुछ भी किया उसके सामने सॉरी बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी बड़ा भाई होने के नाते अगर आप मुझे माफ कर सको तो प्लीज माफ कर दीजिए। उनका रिश्ता है ना तेरा मेरा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त तो आएगा ही जब शायद मैं तुझे माफ कर दूं। और इस लड़की का क्या, अनमोल के साथ तूने जो किया है ना उसके लिए तुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं किया इस लड़की ने, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तुझ पर, और तूने तूने क्या किया इसके साथ, इसे छोड़कर चला गया, इसे धोखा दिया, इसके लिए जहर से भी कड़वी बातें कही, और तो और इसे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग तक कर डाली तुम लोगों ने। अरे शर्म नहीं आई एक बार की? और ये लड़की इतना सब कुछ सहने के बाद भी यहां आज हम सब के साथ खड़ी है, क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के लिए, अपनों को बचाने के लिए, और आज भी इसने तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। सच में अनमोल हमारे परिवार के लिए एक फरिश्ता बनकर आई है। अनमोल मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इतना कुछ करने के बाद कहने के बाद अब मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुमसे वादा करता हूं अनमोल, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, बस इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। जो कुछ भी हुआ हम उसे यही खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी की शादी है, फिर हम चले ही जाएंगे, तो चलिए
बारात के स्वागत की तैयारियां करते हैं, क्योंकि फिर हमें मायके जाना है। रचन, एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो अपनी सूरत मुझे कभी मत दिखाना। रचन, एक मौका तो दो मुझे। बस करो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि रमन, मुझे सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। रजत, तुम मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है, मैं उन्हें ऐसे में कैसे समझाऊंगी? रजत जी कहां लेके जा रहे हैं? लाली का झूठ सबके सामने आ गया और मेरे घर वालों का सच भी। अब बचा है तो हमारा सच, जो कि वक्त आ गया है कि सबके सामने आ जाए। तुम अपने मायके जा रही हो ना बारात निकालने के लिए, तो बारात निकलने से पहले तुम उदय को हमारा सच बताओगे। याद रखना, सच बताने के बाद ही मैं अजय और नंदिनी की शादी करवाऊंगा। लेकिन नहीं अनमोल, गलती हुई है हम लोगों से, इसीलिए अब रुकना ना सही होगा ना समझदारी। तुमने देखा ना, जब अजय के सामने सच आया तो कितना बड़ा झटका लगा उसे। सोचो, यही सच जब उदय को पता चलेगा क्या गुजरेगी उस पर। तुम और मैं शायद बाद में आए, लेकिन इसका असर सबसे पहले नंदिनी की लाइफ पर आएगा, अजय और उसके रिश्ते पर आएगा। और एक भाई होने के नाते मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए या तो तुम जाकर बता दो, नहीं तो मैं बताऊंगा। बोलो। ठीक, मैं ही बता। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए अगर आपने किसी को भी कुछ भी बोला ना तो मुंबई खाली कल हो चुका है ड्रामा, अब इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, समझे तुम? ये बहुत सीरियस बात है अनमोल, अब या तो तुम जाकर बता दो वरना मैं बताऊंगा। बोलो, जाओगी तुम? नहीं नहीं, रुके रुके रुके, देखिए आपके लिए जितनी ये बात शादी से पहले बताना जरूरी है, उतनी हमारे लिए ये बात कौन बता रहा है वो जरूरी है, इसीलिए ये बात हम ही बताएंगे। हमने भागा जा रहा हमसे, चुटंकी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बाजी मार गई फिर से। नहीं मम्मी, अभी खेल पूरा नहीं हुआ, अगर हम हारे हैं तो अनमोल भी हारेगी। समय आ गया है उस सच को सामने लाने का, जो अनमोल और उसके परिवार को तबाह कर देगा। नहीं छोड़ूंगी उस अनमोल को, तबाह कर दूंगी उसे। समझ में नहीं आ रहा,
हमें इतनी हिचकी क्यों आ रही है? बारात निकलने से पहले तुम उदय को हमारा सच बताओगी। आज बिगड़े ना वह बिगड़े नहीं, परसे थे, वो भी गड़गड़ वाले बादलों के साथ। आज पहली बार हमने उनका रौद्र रूप देखा, इसीलिए हमें उनकी बात मानकर उदय भैया को सारा सच बताना होगा। अनमोल, तुम तैयार हो ना? अनमोल, देखो तुम ऐसे चुप रहती हो ना तो मुझे घबराहट होने लगती। क्या बात है, आज सबको परेशान करने वाली अनमोल खुद परेशान है। वैसे तुम्हारी इस हिचकी का इलाज है मेरे पास, ये खाओ। आ
वैसे तुम जानती हो आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि तुम फाइनली मेरी जिंदगी से बाहर जा रही है। जानती हो अनमोल, मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्रार्थना की है कि तुम मेरी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ और फिर कभी लौट कर ना आओ। और देखो ना, आज फाइनली ये सच हो रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पता है, आज से रजत की जिंदगी में ना तो अनमोल नाम का शब्द होगा, ना शख्स और ना ही उससे कोई संबंध। आज रजत से तुम्हारे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। भाभी, बोलने से ना रिश्ते टूटते हैं और ना ही बनते हैं। हाँ, मगर सोच लेने से मन जरूर बहल जाता है। फिलहाल आप अपने मन को बहला लीजिए, क्योंकि सच क्या है यह आप बहुत अच्छे से जानती हैं। और वैसे भी आज से ये ऑफिशियली हमारी ननद बनने वाली है, सो अब से इनके बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ कर कहिएगा। कभी कभी तो हमारा मन करता है कि इन्हें ना हम चिड़चिड़ी कहें, जब देखो तो पड़ 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 जैसे पचती रहती है। भाभी, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों है? अब चिंता मत करिए, आपका और हमारा रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। वैसे भाभी, आपने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो शायद ही कोई कर पाए। रिश्तों के बारे में इतना सोचने के लिए और इतना बड़ा तूफानी काम करने के लिए जो जुनून और जिगरा चाहिए होता है, वो सिर्फ आपके पास है। वैसे भाभी, आज हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, इसलिए आपको एक बड़ा बड़ा वाला थैंक यू। अगर आप नहीं होती तो ना रमन भाई का घर बचता और ना ही हमारा घर कभी बचता। क्या तुम भी नंदिनी, इतना धन्यवाद कहोगी तो हम ना अपने आप को पराया समझने लगेंगे। तुम आओ हमारे साथ। अब चलो, अब तुम तैयार हो जाओ, हम बारात के लिए जा रहे हैं, बारात लाने। भाभी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज अजय और मेरी शादी होने वाली है। सच कहे ना तो अजय का साथ हमारे लिए किसी सपने जैसा था, जिसे आपने हकीकत बना दिया। थैंक यू सो मच हम सबकी जिंदगी में आने के लिए। नंदिनी, ये क्या? रोमन, ये आंसू ना बचा कर रखो, विदाई में काम आएगा। अनमोल, ड्राइवर आ गया। याद रखना, सच बताने के बाद ही मैं अजय और नंदिनी की शादी करवाऊंगा। क्या हुआ अनमोल, रुक क्यों गई? पता नहीं, लेकिन एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन ने सीटी बजा दी हो और हम उसे पकड़ने के लिए
तोड़ नहीं सकते। देखिए हिचकी भी आ रही है। अनमोल देखो ऐसा डर की वजह से हो रहा होगा। तुम अभी जाकर उदय को हमारा सच बताने वाली तो डरना लाजमी है। नहीं ये डर वाली घबराहट नहीं है। हम कैसे समझाएं आपको, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे हाथ से रेत फिसल रही है, जैसे भरी हुई मुट्ठी धीरे धीरे खाली होने वाली है। अनमोल तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उदय को सच बताने के बाद वो तुम्हें इस घर में रहने नहीं देगा। और इस घर के वो लोग जिन्हें तुम अपना मानती हो, जिनकी परवाह करती हो, उन लोगों को शायद तुम फिर दोबारा ना देख पाओ। पर एक तरह से अच्छा भी तो है, इस घर ने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय दर्द के। तुमने सबका कितना भला करना चाहा लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? तिरस्कार। हम सबके बीच में तुम ना बिल्कुल फंस गई थी, इसीलिए अच्छा होगा अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी, तुम्हारी अपनी जिंदगी। और सबसे बड़ी बात, रजत चौहान की बीवी का टैग भी अब तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा।